अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। टुडे आई एम हेयर टू टीच फिजिक्स क्लास 8, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। टुडे आवर टॉपिक इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें आज हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। सबसे पहले हम रिजिड बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। If the distance between all pair of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. एक body जो है large number of particles से मिलकर बनी हुई होती है। अगर particles जो हैं उन पर force लगाने से, यानी body पर force लगाने से body के particles के दरमियान जो जगह होती है वो तब्दील ना हो, then it is called a rigid body. उसके बाद है हमारे पास define axis of rotation. Axis of rotation क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, जो कि रोटेटिंग बॉडी के पॉइंट्स में से क्या करती है, पास करती है, वाइल द अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल अबाउट द बॉडी। बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी फोर्सेस जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, टर्निंग स्टॉपकॉक ऑफ वाटर टैप, टर्निंग डोर नॉब एंड सो ऑन आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेयर अ फोर्स प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफाइन टॉर्क। इसकी डेफिनेशन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन बनेगा डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका आंसर क्या है, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसी लाइन जिस पर कोई भी फोर्स एक्ट करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डोर है ये, और ये क्या है, इसकी फिक्सिंग है। अब इस साइड हम क्या करेंगे, फोर्स लगा के इसको क्लोज भी करेंगे और ओपन भी करेंगे। अब इस साइड से डोर क्या है, फिक्स है, इसीलिए इस इन पॉइंट्स पे ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जिन पॉइंट्स पे ये रोटेट कर रहा है, यहाँ से गुजरने वाली लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वाला पॉइंट जिस पर हम फोर्स लगाएंगे इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये वाली जो लाइन है बी सी, यानी जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं ये लाइन गुजर रही है, इस लाइन को हम नाम दे देंगे बी सी और इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मोमेंट आर्म। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस एल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। उसके बाद है द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड अपॉन फोर्स एंड मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। यानी किसी भी बॉडी में पैदा होने वाला जो टॉर्क होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, या जो है ये हमारे पास ये है मोमेंट आर्म, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, और अप्लाइंग फोर्स जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं उस पे डिपेंड करता है। अब देखें टॉर्क का फॉर्मूला उसी लिहाज से बनेगा, टॉर्क इज इक्वल एफ इन टू एल। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला। अब इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे, व्हाट इज रिजिड बॉडी, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन टॉर्क है, तो ये पिंक ब्लॉक में जो डेफिनेशन है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर ये हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट डिफाइन मोमेंट आर्म, और इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ तक। नेक्स्ट ये फार्मूला है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।